सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजा सनि सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडल वाणी क्रीटी हरि हिरण्यमय बुप्रदत संग चक्रह ओम सूर्याय नमः। नमस्कार, एस्ट्रो योग में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य आशीष टंगवाल और आज हम बात करने वाले हैं सितंबर माह की राशि फल की। तो मित्रों, वृषभ लग्न जो कि इस माह से शुरुआत हो रही है और लग्न का स्वामी जो है शुक्र, वो सूर्य के साथ विराजमान है और अस्त भी हो रहा है। वैसे तो कुंडली में देखा जाए इस समय की जो ये लग्न पत्रिका जो बन रही है इस समय की, तो ये पूरे महीने की जो हम लग्न समय लग्न कुंडली जो बनाएंगे उसके हिसाब से पंचग्रही योग कुंडली के अंदर बन रहा है। तो पंचग्रही योग का होना बड़ा शुभ माना जाता है कुंडली के अंदर, परंतु इसके साथ में ही जो सूर्य है कुंडली के अंदर, सूर्य के साथ में तीन ग्रह जो बैठे हुए हैं शुक्र मंगल और बुध, तो ये तीनों ही ग्रह जो है कुंडली के अंदर अस्त हैं लगन के हिसाब से। तो जिसमें कि शुक्र जो है अभी हम तीन चार दिन बाद ही हमारा जो है इसमें उदय हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी चीज़ें इसमें सुधार बना आएगा। परंतु बृहस्पति इस कुंडली के अंदर बहुत शुभ है, विशेषकर देखा जाए कि हम कुछ योजनाएं जो बना रहे हैं, जो प्लानिंग जो कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग करने का समय बहुत अच्छा है। करने के लिए हमें एक महीने का टाइम अभी हो देना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके एंड में जाके इस मंथ के लास्ट में दो चार दिन के बाद आप इसकी शुरुआत भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये मंथ वैसे भी जो है पितृपक्ष का मंथ भी कहलाता है, क्योंकि ये वाला महीना जो है हमारा लगभग पितृपक्ष भी इसमें शुरू होंगे और नवरात्रि भी इसमें शुरू होने वाले हैं। तो दोनों ही तरह से अगर देखा जाए तो ये महीना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ये है कि अगर आपकी पत्रिका में कोई पितृदोष है तो आप पितृदोष का भी निवारण इस मंथ में आप आराम से करवा सकते हैं, और साथ में नवरात्रि भी हमारे इसमें शुरू हो रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया कार्य करने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास अपील है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और साथ में जो है इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि जातकों के लिए यह वाला जो महीना है कुंडली के अंदर, शुरुआत भी जो है लगन भी जो है वृषभ लगन से ही शुरुआत हो रही है। तो इसमें अगर देखा जाए इस मंथ में आपका राशि का स्वामी शुक्र कुंडली के अंदर विराजमान है सूर्य के साथ में, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेल्थ की दिक्कतें थोड़ा सा में रह सकती हैं आपको, और इसके साथ में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी गले की प्रॉब्लम, क्योंकि राहु जो कुंडली के अंदर है ये वाणी में बैठा हुआ है आपके दूसरे स्थान पर, तो ये थोड़ा वाणी दोष भी देता है, गले की समस्या भी देता है, और हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा जो है आपके घर के अंदर कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद थोड़ा सा हो सकता है इसमें, तो उसे विवाद से थोड़ा बच के रहें। इसके साथ में है अगर हम बात करें आपके करियर के पॉइंट से, तो करियर का स्वामी है आपका शनि, और शनि अपने कुंडली के अंदर बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएगा करियर को लेके। जो आप मेहनत कर रहे हैं, कहते हैं शनि वैसे भी कर्मों का फल देता है, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो अच्छा जॉब या अच्छा कोई आप दूसरा कोई सेकंड कोई व्यापार करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरुआत जरूर इसमें हो जाएगी, होते होते थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लगेगा इसमें, क्योंकि कहते हैं शनि शनि शनिश्चराय, शनि की जो इस रफ्तार होती है बड़ी धीमी होती है। कार्य बनेगा, काम जरूर होगा इसमें। धन की बात करते हैं तो धन क्षेत्र का योग भी इस कुंडली के अंदर बन रहा है, पैतृक संपत्ति योग भी है, थोड़ा वाद विवाद होंगे परंतु मिलेगा, धन का योग भी अच्छा बनेगा। इसके साथ में है आपका दाम्पत्य जीवन, पर्सनल लाइफ के स्थान में देखा जाए यानी कि वैवाहिक जीवन जो है कुंडली के अंदर उसमें बृहस्पति विराजमान है, और कहते हैं स्थान हानि करोति जीवा, जहाँ बृहस्पति होते हैं वहाँ की थोड़ा सा स्थान की हानि भी होती है। थोड़ा सा जो आपकी जीवन साथी है उनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशानियां, थोड़ा बहुत जो है आपस में जो है विचारों का मतभेद वो थोड़ा होने की संभावनाएं, प्रेम प्रसंग में भी थोड़ा सा जो है इसी तरह की स्थिति रहेगी। कोई भी नया जो रिलेशनशिप जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपका जो है तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगेगा इसमें, परंतु ये जो समय है कुंडली के अंदर ये धीरे धीरे करके आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा, यानी कि महीने के लास्ट तक जो है जो स्थितियाँ हैं वो आपकी इसमें बिल्कुल अच्छी बन जाएंगी। इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें आपके शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए ये समय जो है काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा जो कुंडली के अंदर है इस पत्रिका के अंदर पंचम ही विराजमान है, यानी कि मन आपका काफ़ी शिक्षा की तरफ अपनी पढ़ाई की तरफ काफ़ी अच्छा लगेगा। दर्शकों, यह मासिक राशि फल सामान्य ज्योतिषीय आंकलन के द्वारा बनाया गया है। यदि आप अपनी कुंडली के आधार पर अपनी राशि फल जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर या लिंक पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर दें।